गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है इलेक्ट्रिकल सर्विस कमीशन जो आपका उत्तर प्रदेश में है उसका वहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसी का एडवर्टाइजमेंट मैंने खोल के रखा हुआ है। और इस बार जो रिक्रूटमेंट है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए आई हुई है, और उसके साथ ही इसमें जो है रिक्रूटमेंट आपका बीटेक वाले का भी आई है। बट मैं अभी जो है ये डिप्लोमा वाले के जो रिक्रूटमेंट है इसके बारे में डिटेल आप उनको बता देना चाहता हूँ। तो पूरे जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 07/BSA 2021 JEE इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये आपका JEE इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्रूटमेंट है, और इसमें आप डिटेल और वैकेंसीज में देख सकते हैं। पोस्ट कोड जो आप देख सकते हैं 161 है, और पोस्ट नेम आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा है, और इसमें जैसे पद की संख्या है अनरिजर्व में जो है 71 पद है, AWS में 17 पद हैं, OBC में जो है 46 पद हैं, और SC में 36 पद हैं, और ST का 3 पद है। और इसमें देख सकते हैं जैसे कि कॉरपोरेशन जो है लोकन इंक आपका जो है जो पोस्ट निकला हुआ है उसको बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, वो उनके ऊपर में है। और इसमें जो आपका 7th पे दिया की तरफ से जो 7th पे अभी लग चुका है तो उसमें जो आपका पेमेंट बनेगा आपका 44,900 रुपये आपका मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा, और उसके साथ ही जो है इसके साथ आपका अलाउंसेंस बहुत कुछ दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी, तो जैसे कि आपका फूडिंग का हो गया, तो बहुत कुछ होगा, ठीक है। इसके बारे में आपका डिटेल नहीं बता सकता हूँ, बट बहुत सारे अलाउंसेस आपको मेडिकल का जैसा रहता है, ट्रैवलिंग लाइसेंस रहता है, हाउस रेंट रहता है, तो ये सब आपको मिल जाएगा इसके साथ ही। और भी बहुत सारे कुछ है बट उसका डिटेल मेरे पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए आप जो है आपका जो डिप्लोमा पास आउट है, अगर आप लोगों ने यूपी से ही डिप्लोमा पास आउट करके रखा है तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अदर स्टेट से भी करके रखा हुआ है और AICTE अप्रूव्ड है तो आप तब भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो डिप्लोमा आपका 3 साल का इसमें मांगा है, और इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है मगर डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम एज मांगा है कैंडिडेट का वो 18 साल मांगा है, और मैक्सिमम जो आपका 40 साल मांगा है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है आपका 1/1/2021 तक हो जाना चाहिए। मिनिमम मीन्स आपका 18 साल आपका 1/1/2021 तक हो जाना चाहिए। अगर आपका एज 40 साल से ज़्यादा हो जा रहा है 1/1/2021 तक, तब आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का अपन ध्यान रखिएगा मिनिमम और मैक्सिमम का। और इसमें जैसे है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो इसमें देख सकते हैं ST SC OBC है, जो NCL है उत्तर प्रदेश के दो मिसाल जिसके पास है उसको 5 साल का दिया जाएगा, और जो एक्स सर्विस मैन है उसको भी 5 साल का दिया जाएगा अगर उन्होंने आर्म फोर्स में काम किया है। सॉरी, ये जो एक्स सर्विस मैन वाला है उसमें थोड़ा बता देना चाहता हूँ, इसका जो आर्म फोर्स में आपने अगर 5 साल किया है, ठीक है, तो आपको क्या है उसके साथ आपको इसमें आपका 15 साल का इसमें एज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। कम से कम आपका आर्म फोर्स में जो है 5 साल काम किया होना चाहिए, और इसमें जो है फ्रीडम फाइटर के जो है उसको ही 5 साल का इसमें एज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप जो आपका OA OL PB PD से है तो उनको ही 15 साल का एज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा। और इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो मिलेगा आपको, जो आपका ST SC OBC के कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को भी दिया जाएगा जिसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल हो उसी को ही, और अदर सभी कैंडिडेट को अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसमें जो है अगर आप कहीं कार्यरत है जैसे स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, तो आपको क्या है अगर आपका उत्तर प्रदेश जो पावर कॉर्पोरेशन में इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो है उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग करने से पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो इस बात का अपन ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका CBT थ्रू, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू हो पाएगा, और इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका बनारसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, ठीक है, ग्रेटर नोएडा और मेरातू सिटी, ये जगह में आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो आपका 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा जो आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें आपका 200 क्वेश्चन रहेगा,
और आपका जो है 150 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रहेगा, जो आपका ब्रांच रहेगा उसी से ही, और 20 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा और 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी का रहेगा। और इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो हर क्वेश्चन में आपको एक मार्क दिया जाएगा, बट अगर आपका एक क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो आप लोगों जो क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ध्यान से, ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, ठीक है, मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसके बाद अगर जो भी कैंडिडेट का टाइम दिया जाएगा उसी टाइम उसको पहुंचना पड़ेगा, अगर उस टाइम में नहीं पहुंचे तो आपका फिर वो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, तो इस बात का अपन ध्यान रखिएगा। इसमें साफ साफ मेंशन भी कर दिया गया कि आपका अगर मार्क्स जो है 30% से कम रहेगा तो आपको आगे प्रोसेस में नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है, तो इस बात का अपन ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कैंडिडेट पास कर जाएंगे उनको जो है ट्रेनिंग में रखा जाएगा, और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी आपको लिया जाएगा, जो एससी जो है और उनको डोमिसाइल अगर यूपी का है, ठीक है, आरएसटी जो भी है उसका भी अगर यूपी का डोमिसाइल है तो और उनको जो है 826 रुपया दिया जाएगा जीएसटी के साथ में, और अनरिजर्व कैटेगरी जो है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस दोनों के ही आपका 1180 रुपया आपको देना पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप का जो है खाली 12 रुपया आपको देना पड़ेगा। कैंडिडेट जो अदर देन यूपी स्टेट से हैं और उनका 1180 रुपये आपको देना पड़ेगा। और इसमें जो मार्टियल स्टेटस में आप देख सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट है वो शादीशुदा है और उसको एक से ज़्यादा वाइफ है तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है, अगर वो ऐसा हस्बैंड के साथ शादी करते हैं जिसका पहले से ही एक वाइफ है तो वो भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका जो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो 12/11/2021 से हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 2/12/2021 तक रहेगा। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो मैं अपने चैनल में डाल दूँगा, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, हमेशा नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा। तो आपको पूरा मैं इसमें स्टेप बताता हूँ, आप मेरे बाकी सारा वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैं पूरा फॉर्म भरने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और इसका जो पेमेंट करने का आपका है उसका भी आपका 12/11/2021 से लेकर 2/11/2021 तक रहेगा। और इसका जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो 2nd week of January में होगा। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग जानकारी चाहिए या फिर कुछ पूछना चाहता है तो हेल्प डेस्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी दिया गया है, helpdesk.kje.721@gmail.com, इसमें आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ नॉर्मलाइजेशन मेथड दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस तरह से आपका मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी आप लोगों को कुछ अगर डाउट रहेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट UPSL में जॉब करना चाहते हैं और उनको नोटिफिकेशन के बारे जानकारी मिल जाए और उनको अभी से ही तैयारी में लग जाए ताकि उनका जो है ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। और इसका एडवर्टाइजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक में क्लिक करके आप लोग एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।